अब चालू हुआ। तो देखो हम लोग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले मैं ऐसे एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि dx क्यूब बाय dx क्या हो, dx स्क्वायर, dy क्यूब बाय dy क्या हो, 3y स्क्वायर। या और भी कुछ आएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। dt क्यूब अपॉन dt 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि मैं तुमसे पूछूं कि d sin 2x अपॉन d sin x तो क्या होगा, कितनों को लगता ही है क्या है? अभी चेन रूल नहीं आया, अभी मैंने चेन रूल समझाया नहीं, तो चेन रूल कहां से आया? ये तुम्हें समझ में आता है कि इसका डेफिनेशन ये हो, किसके रिस्पेक्ट में करना है वो देख। यहाँ पे एक्स क्यूब था, एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, यहाँ पे वाई क्यूब था, वाई के रिस्पेक्ट में करना था, यहाँ पे टी क्यूब था, टी के रिस्पेक्ट में और यू आपस में रिलेटेड है कि नहीं है। जैसे बी बराबर
कोई एक्स का फंक्शन लिखते हो तो इसमें क्या होता है, जैसे बी बराबर साइन है, तो बी और एक्स आपस में रिलेटेड हुआ ना, वैसे ही यहाँ पे बी और यू आपस में रिलेटेड है, मतलब बी जो है वो यू पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यदि मैं इसमें से इतना सा क्वेश्चन दू वाई बराबर साइन पे और डी वाई बाई डी एक्स तो क्या जीरो, क्योंकि बी कॉन्स्टेंट नहीं कुछ निकाल तो कॉन्स्टेंट, तो क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। बट यहाँ से जब मैं डी वी बाई डी यू पूछा हूँ तो बी जो है वो यू पे डिपेंड कर रहा है इसलिए ये जीरो नहीं आया। बात समझ में आ रही है, यदि किसी को कंफ्यूजन हो सर यहाँ पर जीरो लिख के बट वहाँ जीरो नहीं है तो वो जीरो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बी जो है वो यू पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आई, अब तुम कहोगे सर तो आ तो गया बी तो यू का फंक्शन आ गया हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आसानी से तुम निकाल पाओ, बहुत ज़्यादा होगा तुम आसानी से निकाल नहीं पाओ, हम क्यों निकालने में टाइम वेस्ट करें जब मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो वो डायरेक्ट तरीका हम यहाँ पे सीखे, भाई बात समझ में बिटा दे इसको बिटा देना इसमें तो कुछ है नहीं, तो मुझे निकालना है डी वी बाई डी, ठीक है। तो डी वी बाई डी यू का मतलब क्या होगा, लिमिट डेल्टा यू टेंडिंग टू जीरो डेल्टा बी बाई डेल्टा यू, ये होगा
ठीक है। B जो है वो W का फंक्शन है और W जो है वो X का फंक्शन है, ठीक है। U जो है वो B का फंक्शन है, B जो है वो W का फंक्शन है और W जो है वो X का फंक्शन है। और तुम्हें निकालना है, मान लो du/dx, तो हम कैसे निकालें? ये तो समझाने वाला तरीका। अब तुम्हें करना क्या, तुम्हें du/dx निकालना है ना। U कौन से वेरिएबल का फंक्शन है? V का। तो सबसे पहले तुम क्या निकालो? du by dv, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया? V into dv, और V किसका फंक्शन है? W का, dv by dw। फिर W, dw किसका फंक्शन है? X का। आधा बात समझ में। अब देखो हो क्या है, बेसिकली ये जो हमने लिखा ये किसके बराबर? मैंने तुम्हें कल बोला था कि dv dv हम काट नहीं सकते, वैसे हम काट नहीं सकते है ना। हम एक्चुअली डेल्टा भी काट सकते बट dv को नहीं काट सकते है ना। बट हम मानेंगे कि ऐसा तुम कर लो, बेसिकली ये dv नहीं काट सकते, डेल्टा dv नहीं काट है ना। तो देखो dv से dv ये कैंसिल हो जाएगा और ये dw से dw कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? dv / dx ही बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इसके बराबर, यहाँ पे ये देखो dw dw कैंसिल हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में dv / dw ही था, मतलब वही है जो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही ये के जगह तीन चार वेरिएबल रिलेट किया जा सकता है, तो तुम ऐसे सोच कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? क्या बोला है? यू बी डब्ल्यू तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। और U बराबर दिया हुआ है दिस, तो फाइंड डीयू बाय डीवी।
अरे कोई दिक्कत? इतना टाइम भी लगता है। अब dU by dW इसको W tension पे डिफरेंशिएट कर सकते हो? क्या आ जाएगा? cos W plus 2W into dW by dT। V जो मुझे नहीं पता, बस मुझे पहले छोड़ दो। होगी आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अरे हो गया ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और जल्दी जल्दी लिखो कि मैं क्लास में थोड़ा तेजी से हूँ। तो समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा? कंपोजिट फंक्शन मतलब y बराबर f ऑफ cos x। अरे वो बच्चों है ना, इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ है, वो तो आसान समझ है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? तो लेट g ऑफ x बराबर t, ठीक है? पहले फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, फिर समझाएंगे कैसे करते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? f ऑफ t हो जाएगा, ठीक है? और तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है dy by dt, ठीक है? अभी तक क्या इसके पहले वाले बारे में हम क्या पढ़े थे? वहां पे क्वेश्चन तुम्हें अलग अलग वेरिएबल में दिया हुआ कि u ये है, v ये है, w ये, बट यहाँ पे दिया हुआ नहीं। यहाँ पे तुम्हें खुद से मानना पड़ेगा, एक इसको अलग मानो, ये ऐसा बने, ठीक है? तो अब यहाँ पे यदि dy by dx निकालेंगे तो क्या होगा? y जो है dy by dx, dy मतलब y की जगह ft, तो ये किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, और t जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है ना। तो dy by dt into dt by dx लिख सकते हैं, जो अभी पढ़ के आए। अरे ये समझ में आया? क्योंकि y जो है t का फंक्शन है, तो मैंने dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एक t को इधर ले गया और एक t इधर ले, जो अभी ये वाला काम किए थे dy by dx into dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, इस dt को इधर भेज दो। आई बात समझ में है ना? dy by dt क्या हो? इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो? f dash t, ठीक है? और dt by dx इसका डिफरेंशिएशन क्या है? g dash x, और t क्या है तुम्हारा? gx। तो क्या है f dash gx into ठीक है? तो इसका क्या मतलब? ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है? इसका मतलब क्या है? नोट करो, थोड़ा सा क्वेश्चन
बाकी तुम लोग पढ़े हुए हो तो तुम लोग तो इसका डिफरेंस सही सही बताओगे, बट जो नहीं पढ़े हुए होंगे जो या नए बच्चे होंगे वो कहेंगे सर साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स कॉस एक्स वो ठीक है। तो जो अभी हम लोग सीख गए ये बेसिकली कंपोजिट फंक्शन है। ये फंक्शन कैसे बना है, तो मान लो एक फंक्शन है एक्स क्यूब जिसको टी बोलते हैं ठीक है, तो वाई बराबर बेसिकली क्या है साइन टी है ना। मतलब यार ऐसे कह दो एक फंक्शन एफ एक्स है एक्स क्यूब या एक फंक्शन जी एक्स है एक्स क्यूब और एक फंक्शन एफ एक्स है साइन एक्स ठीक है। तो बेसिकली जो तुम्हें क्वेश्चन दिया है वो क्या है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ में जी को पुट कर, एफ में जी को पुट कर तभी तो यह आएगा। तो तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना, ये दोनों फंक्शन तुम अपने मन से सोचे सोचना पड़ेगा कि ये दोनों फंक्शन मैं क्या करूँ जिससे मेरा फंक्शन ये बन जाए। बात समझ में आती है। तो अभी हम सीख के आए हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला आया था डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। और ध्यान से देखो वहां पे डी टी क्या माने, वाई का मतलब क्या है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और टी किसको माने थे, देखो जी ऑफ एक्स को टी माने थे इंटू डी ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स या तक। तो यही यही फॉर्मूला तुम यहां पर लिखो d of f of g x मतलब ये पूरा फंक्शन अपॉन d of g x क्या है ये बात समझ में आई, इनटू d of x u अपॉन d ये बात समझ में आती है, कोई कंफ्यूजन यहां तक। और पहले तुम्हें आज क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बताया है ऑफ साइन एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स क्यूब या इसमें कोई कंफ्यूजन। स्टार्टिंग में सबसे पहले आज हम समझाएं इनटू इसका डिफरेंशिएशन 3x ये हो गया। ये है कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसको हम बेसिकली चेंज रूट से करते हैं। ये तरीका समझ में आया, अरे तो दिमाग में घुसा या नहीं समझ में आया ना। तो अब इतना लंबा चौड़ा नहीं कर, ये तो जो थ्योरी वाला पार्ट होता वो मैंने बता दिया ठीक है। बोर्ड में आएगा तो एक दो नंबर का आता है तो टाइट करो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, लिख दो बगल में यूनिक चेंज होगा डिफरेंशिएशन कोई दिक्कत नहीं ठीक है। और ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा नहीं कि 5-6 नंबर का आ रहा है, 5-6 नंबर का आ रहा है पूरा ऐसे करना ठीक है। अब हम दूसरा तरीका जो यूज करेंगे, अरे कोई कंफ्यूजन है, अब जो हम दूसरा तरीका, ये तो पूरा प्रोसीजर है ठीक है। अब इसी का शॉर्ट ट्रिक जो है मेथड टू वो क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इतना काम धाम नहीं करेंगे ठीक है। क्या करेंगे तुम्हें यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन ठीक है, उसके बाद कौन सा फंक्शन आ रहा, उसके बाद कौन सा फंक्शन आ रहा, ऐसे देखना ठीक है। तो सबसे पहले तुमको दिखता है यहाँ पे कौन सा फंक्शन है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, तो यहाँ पे जो वाई डैश होगा कॉस, बाकी सबको ऐसे ही लिखो पहले ठीक एक टू। फिर अंदर घुसो, अंदर में कौन सा फंक्शन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन देखना है आई बात समझ में। तुम्हें क्या देखना है कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन आता है वो इम्पोर्टेंट है ठीक है। यहीं पे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन टू कि वाई बराबर साइन टू एक्स ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन कौन सा आ रहा है, साइन फंक्शन नहीं आ रहा सबसे पहले, ये जो लिखा है ये क्वेश्चन लिखा है साइन एक्स का होल ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये एक्स क्यूब जैसा दिख रहा होगा, तो सबसे पहले ये फंक्शन आ रहा है
मतलब किसी वैल्यूअर के पावर में कुछ है। अरे समझ पा रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें ऐसे यदि लिखा है तो तुम्हें साइन फंक्शन दिख रहा है, बट सिर्फ साइन का कोई मतलब नहीं होता, साइन एक्स का मतलब होता है ना। यदि इसको साइन एक्स के फॉर्म में लिखोगे तो वो ऐसे लिखा है, बात समझ में आ रही है? तो पहले तुमको ये ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला फंक्शन है, साइन एक्स इसके अंदर है। पहले ब्रैकेट फंक्शन आया, उसके अंदर साइन एक्स आया, बात समझ में आ रही है? आया ना? तो अब इसको तुम देखो, ये तुम्हें एक्स क्यूब जैसा दिख रहा है, पहले अंदर जो भी लिखा उसको तो पहले एक्स मान, कुछ भी लिखा वहां तो क्या मान लो उसको एक्स, तब देखो ये एक्स क्यूब जैसा फंक्शन दिख रहा है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x का। तो 3x को किसको बोले? साइन एक्स। तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 3 साइन एक्स। याद है बात? समझ में? अब अंदर घुसो, अंदर कौन सा फंक्शन है? साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन
पहले एक्सक्यूज जैसा फंक्शन है,
का वर्गमूल इनटू, अब अंदर देखो 15 में दो फंक्शन x स्क्वायर इनटू l, तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ln x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर और ln x का 1 / x, 1 / x से एक x कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, क्लियर है यहाँ तक? क्या मतलब है इसका, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट, जैसे मान लो एक फंक्शन है y बराबर sin और एक फंक्शन है t मान लो cos q, ठीक है, अब तुमसे पूछा जा रहा है dy / dt, ठीक है, बेसिकली तुमसे क्या पूछा जा रहा है, y क्या है sin और t क्या है cos q, ये तो पूछा जा रहा है, बता सकते हो? तो बता है इसमें बता सकते, अब तुम्हें ये निकाल, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे, मतलब ऐसे मान लो कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x के रिस्पेक्ट में क्या हो, ठीक है, या sin x का डिफरेंशिएशन tan x के रिस्पेक्ट में क्या हो, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट, मतलब हो सकता है क्वेश्चन ऐसे मुझसे पूछ लिया था, ठीक है, या हो सकता है ऐसे पूछ लिया, तो कुछ करना नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। तो देखो तुम्हें निकालना है dy / dt निकालना है ना, और y किसका फंक्शन है, x का और dv x का, तो तुम क्या करो dy / dt into dx / dx कर दो, और इस dx को इधर पे लिखो dy / dx into dx / dt, मतलब dy / dx और इस dt / dx / dt को dt / dx लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, है ना, तो बेसिकली हमने क्या किया, y हमारा किसका फंक्शन था, x का, तो इसमें भी x से डिवाइड कर दो और इसमें भी dx से डिवाइड कर दो, dy / dx निकाल सकते हो और dt / dx निकाल सकते हो, तो बेसिकली जब ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, dx से डिवाइड करो, इसको अलग डिफरेंशिएट करो और इसको अलग डिफरेंशिएट करो, अभी बात समझ में नोट करो, तो बेसिकली मिलेगा फॉर्मूला लिखूंगा आपसे कि टी एफ एक्स अपॉन डी जी एक्स, ये हो जाएगा टी एफ एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी जी एक्स अपॉन डी, दैट इज डिफरेंशिएट वैल्यू है, यहाँ पे ऊपर नीचे उससे डिवाइड करो, उसको अलग डिफरेंशिएट कर दो, इसको अलग डिफरेंशिएट,
नीचे वाले का तो इसका हो गया cos x, तो इसका हो जाएगा 3 cos square x into minus sin, एक cos से एक cos cancel हो जाएगा minus 1 by 3 और 2 से multiply divide कर दो तो ये आ जाएगा sin 2 sin x cos x का होता है sin, ठीक है ये हो गया। कोई डाउट नहीं? tan inverse x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू sin inverse x, tan inverse का क्या होता है
एक तरीका तो ये निकालने का, दूसरा तरीका तुम ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को सॉल्व कर लो और टी हटा लो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन का आंसर है, मान लो कि y का t u से जो है x का t, मान सुन लो एक बार करके ध्यान से, मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो इसको देखो मैं डिफरेंशिएट कैसे कैसे कर सकता हूं। एक तो d / dx का इसका डिफरेंशिएशन 3t2 / 1, एक तो ये हो ठीक, इसी को यहां से t हटा दो, t की जगह क्या रख सकते हो, x रख सकते हो 3x2 के बीच में, बात समझ में आ गई। इसी को करने का दूसरा तरीका, x बराबर t है, यहाँ पे t के जगह x है, तो y बराबर x क्यूब आ जाएगा, तुमने पैरामीटर कोई गायब कर, कोई दिक्कत नहीं गायब कर सकते, ठीक है, आप निकाल लो t बराबर t 3x2। तो ऑप्शन को किस तरीके से दिया है वो तुम्हें देखना है कि वो पैरामीटर हटा के दिया, यदि हटा के दिया है तो तुम पहले डिफरेंशिएट कर दो, उसके बाद पैरामीटर हटा दो, मतलब उसके बाद तुम इसको यूज कर दो, या पहले हटा सकते हो तो हटा लो, ठीक है, बहुत केस में सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत केस में सिंप्लीफाई नहीं भी कर पाओ, ठीक है, तो दोनों तरीका जहाँ पे हो पा रहा वहाँ तुम्हें देखना है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन पहले नोट कर दो, उसके बाद इस क्वेश्चन d by dx 3 to the 60 upon 3 d square
ये देखो ये साइन एक्स डिग्री है, ठीक है ना, बात समझ आ गई, ये साइन एक्स डिग्री है, ठीक है।
मिनट से ज्यादा लगेगा? बहुत होगा 10 मिनट। घड़ी देख के 5 मिनट कैसे लगे? ढंग से करो। अब यदि ऐसे करोगे पहले